नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारी से करेंगे, जहां शेर ए अतीक व्हाट्सएप ग्रुप तक एसटीएफ पहुंच चुकी है। एसटीएफ लगातार मामले में छानबीन कर रही है। शूटर असद था व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन। हत्या से दो घंटे पहले ग्रुप से लेफ्ट हुआ था असद। ग्रुप से जुड़े दो लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इस बीच सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद के बेटे असद के व्हाट्सएप ग्रुप शेर ए अतीक को एसटीएफ ने ट्रेस कर लिया है, जिसके बाद इस ग्रुप से जुड़े दो लोगों को एसटीएफ की टीम ने हत्याकांड में शामिल होने की आशंका के आधार पर हिरासत में लिया है। बता दें कि असद इस ग्रुप का एडमिन था और इसमें 14 जिलों के 56 लोग जुड़े थे। तो वहीं हत्या से ठीक दो घंटे पहले असद ग्रुप से लेफ्ट हुआ था और असद के लेफ्ट होते ही बाकी लोगों ने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया था। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं ग्रुप की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से शेर ए अतीक ग्रुप जो है वो बनाया गया है। हिंदी और उर्दू में ग्रुप का नाम लिखा गया है और जिस तरीके से ग्रुप की आखिरी तस्वीरें जो सामने आई हैं, तीन पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं इस ग्रुप में, यानी कि तीन लोग इस दौरान तक ग्रुप में मौजूद थे। और जिस वक्त ग्रुप को बनाया गया था, करीब 50 लोग जो हैं इस ग्रुप में जोड़े गए थे और हत्या के दो घंटे पहले यहाँ पर असद ने इस ग्रुप को लेफ्ट कर दिया था, यानी कि छोड़ दिया था, एग्जिट कर दिया था ग्रुप से। और इसके बाद धीरे धीरे कई और लोगों ने इस ग्रुप को लेफ्ट किया था। ग्रुप से जुड़े दो लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। पूछताछ इन दोनों लोगों से जारी है। लगातार यहाँ पर एसटीएफ इन दोनों से ही पूछताछ कर रही है, ग्रुप से जुड़े चैट्स को लेकर कि आखिर शेर ए अतीक ग्रुप में क्या कुछ बातें हुई हैं, किस तरीके से चर्चाएं इस ग्रुप के अंदर हुई हैं और किन आधारों पर ग्रुप को क्रिएट किया गया था और ग्रुप बनाने के बाद किस तरीके से और लोगों को उसमें शामिल किया गया, किस तरीके से हत्या से इस ग्रुप का कनेक्शन है। इन तमाम पहलुओं पर लगातार जांच पड़ताल एसटीएफ की ओर से की जा रही है। तो असद ने हत्या से दो घंटे पहले ग्रुप को लेफ्ट किया था। तो शेर ए अतीक ग्रुप तक पहुंची एसटीएफ और लगातार एसटीएफ की ओर से छानबीन पूरे मामले में जारी है। लगातार एसटीएफ जो है जांच पड़ताल पूरे मामले को लेकर कर रही है और जिस तरीके से शेर ए अतीक ग्रुप तक एसटीएफ पहुंची है, दो पार्टिसिपेंट्स जो हैं ग्रुप के, यानी कि जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ यहां पर की जा रही है। शूटर असद जो है ग्रुप का एडमिन था, शूटर असद था व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन। अब इन्हीं आधारों पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, किस तरीके से एसटीएफ की ओर से पूरे मामले में कार्यवाही जारी है, जांच पड़ताल जारी है और अब इस बीच शेर ए अतीक व्हाट्सएप ग्रुप तक भी एसटीएफ पहुंची है? बिल्कुल, जानकारी मिल रही है और बड़ी जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद के नाम से बाकायदा एक प्रमोशनल ग्रुप बनाया गया था, जिसमें लखनऊ के कई सारे लोग मौजूद हैं और न सिर्फ लखनऊ के बल्कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 14 जिले बताए जा रहे हैं, 14 से 17 जिले जिनके लोग इस ग्रुप में मौजूद थे। शेर ए अतीक नाम दिया गया था ग्रुप का और बताया जा रहा है कि एडमिन थे ग्रुप में वो असद अहमद थे, अतीक अहमद का वो बेटा जिसने घटनाक्रम को अंजाम दिया उन शूटरों में से एक और जो फरार है मौके पर। और उसने उस ग्रुप को तब लेफ्ट किया जब घटना करने वाला था वो, यानी घटना के दो घंटे पहले उसने इस ग्रुप को लेफ्ट किया। अब इस ग्रुप में कौन कौन लोग थे, क्या ये वही ग्रुप है जिसके जरिए असद दिशा निर्देश देता था या फिर प्लानिंग का पार्ट था ये ग्रुप, ये सारी बातों पर एसटीएफ जांच कर रही है। कई लोगों को डिटेन किया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी और फिर कई सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। व्हाट्सएप को भी बाकायदा, जो व्हाट्सएप है उसको, उसके जो डोमेन है उसको भी बाकायदा ऑफिशियली एक पत्र लिखा गया है एसटीएफ द्वारा कि वो जो डिटेल्स है वो उनसे साझा करें कि उस वक्त कितनी फोन कॉल हुई थी। एसटीएफ इसकी भी जांच कर रही है कि व्हाट्सएप कॉल कितनी हुई थी, टेक्निकल हेल्प भी ली जा रही है हर एस्पेक्ट में, इन सारी चीजों की पड़ताल चल रही है। जी अभिषेक, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से जानकारियां सामने आई कि इस ग्रुप को जब बनाया गया तो उसके बाद करीब करीब 50 लोग ग्रुप से जुड़े गए थे, ग्रुप में जुड़े थे, क्या इन लोगों की डिटेल निकल पाई है अभिषेक कि कौन ये 50 लोग थे? बिल्कुल, 50
152 लोग ग्रुप में जुड़े थे जी, और ये वो लोग थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अतीत से मिले होंगे, कभी उनकी विचारधारा से प्रभावित होंगे। असद ने उन सबका इस्तेमाल किया एक ग्रुप के तरीका, एक ग्रुप बनाकर जो अतीत के लिए प्रमोशनल एक्टिविटी करते थे, फेसबुक ट्विटर हैंडल्स पर बातें लिखते थे कि अतीत के साथ अन्याय हो रहा है। और ये शुरुआत हुई 2 साल पहले जब अतीत का घर गिराया गया, अतीत के जो जराइम की दुनिया से अर्जित संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर का अटैक शुरू हुआ, तब से सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह के प्रमोशनल एक्टिविटीज करते नजर आए। अतीत ही नहीं, बाकी माफेडॉन्स भी इस तरह की एक्टिविटी करते नजर आए थे, लेकिन इस ग्रुप का इस्तेमाल किस तरह से होता था यह भी संदेह के घेरे में है। इस ग्रुप का इस्तेमाल वाकई प्रमोशन के लिए किया जाता था या फिर जराइम की दुनिया के लोगों को संदेश पहुंचाने तक किया जाता था, इन सारी बातों पर जांच चाहिए जी। अभिषेक, इस भी जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार एसटीएफ की ओर से पूरे मामले में कार्यवाही जारी है, लेकिन अधिकारियों को लेकर बात करें तो इसमें कहने से अधिकारी बच रहे हैं। क्या एसटीएफ के किसी अफसर की ओर से पूरे मामले में कुछ कहा गया है? क्या लखनऊ पुलिस की ओर से पूरे मामले में कुछ कहा गया है? वजह बहुत बड़ी है जी, पूरा मामला सेंसिटिव है जी। इसी तरह की जांच जानकारी साझा करने से हो सकता है इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ कोई अपराधी, कोई आरोपी भाग के उसे जानकारी मिल जाए, लिहाजा इन सारी चीजों को गोपनीय रखा गया है। ऑफिशियली तौर पर कोई किसी तरह की जानकारी नहीं साझा कर रहा, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली और पुख्ता जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले जी। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी अभिषेक।